लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। युवक के शव को ले जाने की हो चुकी थी तैयारी, अचानक हुई ऐसी अनहोनी कि उड़ गए परिजनों के होश। बुधवार को कानपुर में एक ऐसा अजीबोगरीब हादसा हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया। दरअसल कानपुर निवासी एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को फ्रीजर में सुरक्षित रखा हुआ था और उसके चारों ओर मृतक के रिश्तेदार बैठे हुए थे। इसी दौरान फ्रीजर में रखा शव अचानक हिलने डुलने लगा और मृतक फ्रीजर से झांकने लगा। यह नजारा देख वहां बैठे लोग डर कर दूर भाग गए और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला कानपुर के बाबूपोरवा इलाके का है, जहां मेहताब आलम नामक युवक अपनी पत्नी इशरत जहां और दो बेटों के साथ रहता है। बुधवार को मेहताब का बड़ा बेटा आफताब जब भी रिक्शा को चार्जिंग में लगा रहा था तो अचानक वे वहां लगे बिजली के मीटर के पास के खुले तार की चपेट में आ गया और वहीं चिपक गया। परिजन उसे पास के एक अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सभी रिश्तेदार और परिजन गम में थे और आफताब के जनाजे को ले जाने की तैयारी की जा रही थी। उसी दौरान फ्रीजर के अंदर से आफताब झांकने लगा और उसके शरीर में कुछ मूवमेंट नजर आए। यह देखकर परिजन व रिश्तेदार डर गए और फ्रीजर के पास से हट गए। डर की वजह से लोग उसके पास जाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में कुछ बुजुर्गों के कहने पर परिजन उसे दोबारा अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे फिर से मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजनों ने विधिवत तरीके से उसको अंतिम विदाई दी और शव को दफनाने के बाद सभी वापस लौट गए। हालांकि इस अजीबोगरीब घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि अगर डॉक्टरों ने पहले ही ठीक से जांच कर ली होती तो शायद आफताब बच जाता।